तो हम इसमें अलाइनमेंट कर रहे हैं जा रहे हैं। तो अलाइनमेंट कैसे होता है, कहाँ रखना होता है, कैसे सेट होता है, तो सेंसर होते हैं तो ये इस कैमरे में कैच करते हैं और जी बताता है अलाइनमेंट। ये पीछे करने पड़ेगी जिस तरीके से मांगेगा इस तरीके से हमें गाड़ी को करना पड़ेगा, रोटेट रोटेट करना पड़ता है। तो हमें स्टीयरिंग रोटेट करना पड़ेगी इस तरीके से जब हमें बताएगा उस तरीके हमें करना पड़ेगा। स्टीयरिंग लॉक करेंगे हम इसकी, स्टीयरिंग लॉक करना पड़ेगी हमें सीधी करके, सीधी है सीधी है ठीक है, मतलब रेड हो रहा है ये आउट है ठीक है फ्रेंड। तो ये कैंपर्स के कैंपर होते हैं, ये एक साइड का सही है, एक साइड का इसका आउट है फ्रेंड। फोर्ड की गाड़ी है, इसको हम अलाइनमेंट कर रहे हैं तो टायर चाट रही है गाड़ी और एक हाथ पे भगरी भी एक साइड पे गिर रही है, तो इसका हम अलाइनमेंट करेंगे। ये अलाइनमेंट मशीन हमारी, ये कैमरे अलाइनमेंट वाले ओके फ्रेंड। तो हम इसमें अलाइनमेंट कर रहे हैं जा रहे हैं। तो अलाइनमेंट कैसे होता है, कहाँ रखना होता है, कैसे सेट होता है, तो वो प्रोसेस तुम्हें दिखाएंगे इसमें। और अलाइनमेंट आउट अगर हो जाता है तो क्या नुकसान होता है, अलाइनमेंट अगर आपकी गाड़ी का आउट हो जाएगा तो आपकी गाड़ी एक हाथ पे मतलब टायर भी चाटेगी और गाड़ी एक हाथ पे गिरेगी ओके फ्रेंड। तो हम दिखाएंगे, ये गाड़ी के सेंसर हैं, गाड़ी हमने हैंड ब्रेक खींच दी है, गाड़ी अलाइनमेंट पे लगा दी है, हमने लगा दिए सेंसर, आगे के सेंसर लगा दिए, आगे पीछे दोनों के, और इस साइड के हमने सेंसर लगा दिए फ्रेंड। तो ये सेंसर होते हैं तो ये इस कैमरे में कैच करते हैं और जी बताता है अलाइनमेंट किधर करना है किधर नहीं करना, ये सेंसर ही बताते हैं। तो हम गाड़ी भरेंगे इसमें, देख क्या। तो फ्रेंड ये गाड़ी है 2018 मॉडल, ये गाड़ी का नाम है, इस हम क्लिक करेंगे ओके में कर देंगे, फिर ओके कर देंगे ओके करो। अब हमें गाड़ी पीछे करने पड़ेगी जिस तरीके से मांगेगा इस तरीके से हमें गाड़ी को करना पड़ेगा, रोटेट रोटेट करना पड़ता है। तो ये अभी पीछे की नहीं करना पड़ेगी गाड़ी हमें, सेंसर लगेगा हमारे तो गाड़ी हमें थोड़ी पीछे करना पड़ेगी, पीछे करो करें। अब आ गए लो, अब आ गए लो, आगे आगे थोड़े पीछे करो बस। तो फ्रेंड अब वो हो गया, एक स्टेप अपनी पूरी हो गई अलाइनमेंट की ठीक है। तो मैप करेंगे जो हमें स्टीयरिंग काटेंगे, स्टीयरिंग रोटेट करना पड़ेगी, तो हमें ये चीज़ फ्री होना चाहिए, ये चीज़ जब पहिए घूमता ना ये चीज़ घूमती है तो ये चीज़ फ्री होनी चाहिए, तो हम पिन लगाते हैं दोनों ओके, हम क्लिक कर देंगे। अब हमें स्टीयरिंग रोटेट करना पड़ेगा इस तरीके से जब हमें बताएगा उस तरीके हमें करना पड़ेगा, अगर जिस तरीके इधर बता रहा है साइड पे लाइट ठीक है इधर करना पड़ेगा हमें, गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा लड़का, गाड़ी के अंदर बैठेगा लड़का पूरा रोटेट करने के लिए कह रहा है। तो काफ़ी अलाइनमेंट की समस्या होती है, जैसे कि जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी अगर एक हाथ पे गिर रही है ओके फ्रेंड, तो गिरने का तो कई रीज़न होते हैं, अगर गाड़ी का आपके हवा कम होगी तो भी एक साइड पे गिरेगी, अगर टायर पे एक एक साइड पे माल कम हो एक साइड पे ज़्यादा हुआ तो भी एक साइड पे गाड़ी गिरेगी। बहरहाल अलाइनमेंट से ये होता है, अलाइनमेंट गाड़ी टायर चाटती है, अंदर की साइड चाटेगी ओके फ्रेंड। तो इसका हम प्रोसेस करते हैं, हम इसको कर देंगे
स्टीयरिंग लॉक करेंगे हम इसकी, स्टीयरिंग लॉक करना पड़ेगी हमें, स्टीयरिंग लॉक कर इसका, स्टीयरिंग लॉक कर इस तरीके, स्टीयरिंग लॉक कर देंगे सीधी करके, सीधी है सीधी है ठीक है, सीधी करके स्टीयरिंग को लॉक कर देंगे, जिससे कि स्टीयरिंग हम अलाइनमेंट नीचे से सेट करेंगे, नीचे से अलाइनमेंट सेट करेंगे तो जिससे कि हम बोल्ट डैम्पर वगैरह खोलेंगे तो स्टीयरिंग घूमे नहीं, अगर स्टीयरिंग घूम जाएगी तो फिर अलाइनमेंट क्रॉसिंग सही बताएगा नहीं, आउट हो जाएगा और सही जगह पर टिकेगा नहीं अलाइनमेंट, तो इसलिए हम स्टीयरिंग को लॉक करते हैं, स्टीयरिंग को लॉक नहीं करेंगे तो फिर अलाइनमेंट सही तरीके से सेट नहीं होगा, तो स्टीयरिंग हमें सेट करना पड़ती। तो आप देख सकते हो इसका अलाइनमेंट आउट है, एक साइड का तो कम आउट है, मतलब इस साइड का नहीं है, बिल्कुल सही है, ग्रीन हो रहा है, एक साइड का मतलब रेड हो रहा है, ये आउट है ठीक है फ्रेंड। तो ये कैंपर्स के कैंपर होते हैं, ये एक साइड का सही है, एक साइड का इसका आउट है। डैम्पर खोलने पड़ते हैं, जिसके डैम्पर है तो हमें जो बोल्ट खोलना पड़ता है इसका, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा इसका, तो इसको खोलेंगे तभी डैम्पर घूमेगा। तो इसमें हम 12 का रिंच लगाएंगे और इसमें हम रिंच से उसको खोलेंगे, पहले इसको खोलेंगे नट को, नट को खोलने के बाद फिर उसको हम डैम्पर को रोटेट करेंगे ऊपर नीचे, ओके फ्रेंड। तो जो ये खुल चुका है, ये खुल गया, हम जैसे इसको हम खोलेंगे तो वहाँ पर इसका वो दिखाएगा, उसको हम घुमाएंगे तो वो एक साइड का लाल हो रहा था इस साइड का, तो वो ग्रीन हो गया, इस साइड का खोलने से आउट हो गया, मतलब हल्का था, हल्का आउट था, तो जैसे इस साइड का बोल्ट खुला तो उस साइड का भी इस साइड पर पहुँच गया वो, तो उसको भी हम सेट करेंगे और उसको भी सेट करेंगे। तो फ्रेंड 12-13 इंच तो इस साइड का भी हम खोल लेंगे, इस साइड का भी हम डैम्पर वाला बोल्ट खोल, इसका नट खोल लेंगे, रोक रोक के वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड, जो वीडियो बड़ी हुएगी ज़्यादा इसलिए मैं थोड़ी रोक रोक के वीडियो को बना रहा हूँ, वो जो मेन पॉइंट है आपको वो दिखा दे रहा हूँ। तो अलाइनमेंट किस तरीके से सेट होता है और कहाँ पर सेट होता है, कैसे होता है, तो आपको वो प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। तो एक एक रिंच से हम इसको लॉक कर लेंगे, ये देख सकते हो एक से लॉक कर लेंगे और एक से इसको हम घुमाएंगे, तो फ्रेंड ये तो इसको देख सकते हैं, इधर देखा वो ग्रीन हो गया, तो हरा हो गया, इस साइड का हरा हो गया, एक पॉइंट और जीरो पॉइंट देख सकते हो, जीरो पॉइंट एक ही पॉइंट हो गया, जो आपको बिल्कुल एक टू जेड हो गया, ये अलाइनमेंट आपको बिल्कुल एक टू जेड हो गया, बिल्कुल सही प्रोसेसिंग पे, मतलब वो करेक्ट ऐसी जगह उसको रोक कर हम उसको टाइट कर देंगे बोल्टों को, हमने कर दिया तो हम उसको बोल्टों को टाइट कर देंगे। बोल्टों को टाइट कर देंगे और बोल्ट टाइट करने के लिए हमें जो इसको भी रिंच लगाने पड़ेगी इसमें भी, और इसको हम घुमाएंगे, इसको टाइट करेंगे, जिससे अगर इसको हम टाइट करेंगे तो ये टाइट करते हुए घूम नहीं जाए डैम्पर, अगर जो घूम जाएगा फिर अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, तो इसको हम एक रिंच से पकड़ कर और इसको हम टाइट करेंगे, ओके फ्रेंड। तो अलाइनमेंट हो चुका है हमारा, ये देख सकते हो अलाइनमेंट, और इसको बैक कर देंगे अलाइनमेंट को, गाड़ी को चेक करके आएंगे, ओके फ्रेंड। अलाइनमेंट हो गया, हमने इसके सैंपल निकाल लिए, ये सेंसर लगा लिया, वो लगा लिया, कंप्यूटर हमने बंद कर दिया, अलाइनमेंट हमारा हो गया, सेंसर हमने लगा लिया इसकी। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल पे इसी तरीके की वीडियो मिलते रहेंगे आपको।